Welcome guys in another video of Nuhi's biology classes today i am going to explain test cross i already discussed one gene hypothesis in previous lecture so now i am going to tell you test cross here you can see homozygous recessive flower of pea plant here you can see this is a violet flower it is a dominant character and it is a recessive character of पी फ्लावर मटर का जो पौधा होता है उसमें जो वाइट फ्लावर होते हैं उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहा गया था मेंडल के द्वारा और जो वायलेट फ्लावर होते हैं उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहा गया था किसके द्वारा बेटा मेंडल के द्वारा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रिसेसिव ट्रेट लिए गए हैं वो लिए गए हैं स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू जिसको हम क्या कह रहे हैं एलील कह रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ अ वन रिसेसिव ट्रेड दिस इज़ अ अनदर रिसेसिव ट्रेड हियर टू डोमिनेंट ट्रेट्स आर सीन कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्लू फॉर वाइलेट फ्लावर तो जब इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया गया क्या कराया गया हाइब्रिडाइजेशन कराया गया तो आप देखेंगे कि जब स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्ल्यू के साथ हाइब्रिड करेगा तो यहाँ पर जो कैरेक्टर आएगा वो आएगा कैपिटल डब्लू और इस्मॉल डब्लू आप यहाँ देख सकते हैं हियर यू कैन सी हेअर यू ऑल्सो यू कैन सी ऑल द प्लांट्स आर वायलेट इन कलर ये वायलेट कलर में क्यों आए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वायलेट कलर में क्यों आए हैं बिकॉज डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर हाइड द कैरेक्टर ऑफ रिसेसिव ऐसा तो नहीं है कि रिसेसिव ट्रेट इसमें नहीं है येस yes, ऑफकोर्स है मैम स्मॉल डब्लू तो रिसेसिव ट्रेट हैं लेकिन वो शो नहीं हुए हैं क्यों शो नहीं हुए हैं क्योंकि जो वायलेट कलर था वो डोमिनेंट कलर था बेटा बिल्कुल वैसे ही जब आप रेड कलर लेते हैं ना और आप इसको मिक्स करते हैं वाइट कलर के साथ मैं नॉर्मल कलर की बात कर रही हूँ बेटा जब आप लोग पेंटिंग करते हैं तो जो कलर इन दोनों से बन के आता है वो पिंक कलर आता है तो पिंक किसकी शेड हो गई रेड की शेड हो गई किसकी शेड हो गई रेड की शेड हो गई तो रेड शेड ही क्यों शो हुआ है आकर बिक रेड इज़ अ डोमिनेंट कलर रेड इज़ अ डोमिनेंट कलर दैट्स वाई वायलेट इज़ ऑल्सो डोमिनेंट कलर इसलिए यहाँ पर सारे के सारे फ्लावर जो जनरेशन में आए हैं वो सारे कौन से फ्लावर आए हैं वायलेट कलर के फ्लावर आए हैं अभी आपको ये पूरा समझ आ जाएगा राइट वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है जो हमने आपको कल पढ़ाया था वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है तो मैम हम कैसे समझेंगे कि टेस्ट क्रोज क्या होता है अभी समझ आ जाएगा बेटा डर क्यों रहे हैं? ऑल फ्लावर्स यहाँ पर लिखा हुआ रिजल्ट क्या आया बेटा? All flowers are violet. Interpretation क्या निकला? डोमिनेंट जो अननोन फ्लावर था ना ये वाला तो यहां से हमने क्या अनुमान लगाया कि भाई जो अननोन फ्लावर था ना वो होमोजाइगस तो था ही था लेकिन डोमिनेंट था यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना यहां पर तो लिखा है होमोजाइगस रिश्ते लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है क्वेश्चन मार्क किस लिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर फ्लावर का टाइप इंडिकेटेड है और यहाँ पर फ्लावर का टाइप इंडिकेट नहीं है तो यहाँ इस रिजल्ट से अनुमान लगाया गया कि जो फ्लावर हम लेकर चले थे वो होमोजाइगस तो था यानी दोनों एलील सेम थे दोनों एलील सेम थे ना यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू लेकिन उसकी जो नेचर थी वो डोमिनेंट थी क्या थी नेचर बेटा डोमिनेंट चलिए अब क्या करते हैं फिर दूसरा क्रॉस कराया गया दूसरे क्रॉस में क्या पाया गया कि इस बार हमने होमोजाइगस रिसेसिव लिया होमोजाइगस रिसेसिव में क्या किया इसी प्लांट का एक ऐसा प्लांट लिया गया और प्लांट के जो कैरेक्टर्स थे जो एलील थे कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू इस बार लिया गया यानी ये वाले फ्लावर इस बार कौन से फ्लावर से ट्रेड लिया गया बेटा इस वाले फ्लावर से यानी जो जनरेशन से आया है ना जनरेशन से यानी प्रोजेनी और पेरेंट के बीच में क्या कराया गया क्रॉस कराया गया पेरेंट और प्रोजेनी जब पेरेंट और प्रोजेनी का क्रॉस कराया गया तो यहाँ तो स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल इस इस्मब्लू था यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हो गया जब कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्लू से कराएंगे क्रॉस या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्लू से कराएंगे तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्लू यहाँ आ जाएगा यानी वायलेट कलर का फ्लावर आएगा यहाँ भी वायलेट कलर का फ्लावर आएगा लेकिन जब ये स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्लू के साथ क्रॉस करेगा तो यहाँ पर स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू यानी वाइट फ्लावर आएगा यहाँ भी वाइट फ्लावर आएगा तो रिजल्ट क्या निकला कि परसेंट तो यहाँ पर वाइट फ्लावर आ गए हैं क्या आए हैं वाइट और फिफ्टी परसेंट आ गए हैं वायलेट फ्लावर कैसे आ गए हैं वायलेट फ्लावर लिखा हुआ है हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वाइट व्हाइट फ्लावर्स इज हेट्रोजाइगस तो माना गया कि भाई जो अननोन फ्लावर्स था ना वो हेट्रोजाइगस था हेट्रोजाइगस का मतलब होता है जिसमें बेटा टू टाइप्स के एलील्स होते हैं कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू तो ये जो सारे फ्लावर्स हैं ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तो इस बार जो क्रॉस कराया गया वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट से कराया गया सो टेस्ट क्रॉस का मेन जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है वेनवर पेरेंट जनरेशन यानी जो पेरेंटल जनरेशन वाले कैरेक्टर्स होते हैं उनका क्रोस कराया जाता है प्रोजेनी वाले कैरेक्टर के साथ तो जो भी जनरेशन निकल कर आती है उसके जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होते हैं वो टेस्ट क्रोस के अंदर होते हैं कि हमने टेस्ट करके अनुमान लगाया कि किस तरीके की जनरेशन डेवलप हुई है इतना सबको क्लियर हो गया कोई कन्फ्यूज़न फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया तो चलिए हम यहाँ क्लियर करने की कोशिश करते हैं यहाँ हम क्लियर कर देते हैं आप एक बॉक्स बना लीजिए यहाँ पर इस तरीके से और एक बॉक्स बना लीजिए बेटा यहाँ पर इस तरीके से राइट अब आप पहले ये वाला क्रॉस लेकर चलिएगा वाइट रिसेसिव है ये रिसेसिव मतलब स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू अभी यहाँ पर क्या लिया गया था यहाँ कैसे लिखे हुए हैं कैपिटल डब्लू कैपिटल डब्लू तो इस बार आप यहाँ मार्क कर दीजिए कैपिटल डब्लू और कैपिटल डब्लू मार्क कर दिया आपने यहाँ पर ठीक है इसी तरीके से आप क्या कीजिए यहाँ पर ले लीजिए बेटा यहाँ पर क्या लिया गया था स्मॉल डब्लू और इस्मोल डब्लू और यहाँ पर क्या ले लीजिए आप यहाँ पर आप लेकर चलिए बेटा कौन से वाले लिए गए हैं इस बार ये वाले हेट्रोजाइगस एक कैपिटल डब्लू है एक स्मॉल डब्लू है तो एक तो यहाँ पर आप बनाइए कैपिटल डब्लू और एक बनाइए स्मॉल डब्लू बना दिया आपने क्लियर हो गई यहाँ तक पॉइंट चलिए स्मॉल डब्लू को आप ऐसे बनाइए इसमें थोड़ा सा लूप बना लीजिए यहाँ पर भी आप लूप बना लीजिए सबको ये पॉइंट क्लियर है हम क्या कर रहे हैं बेटा टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं टेस्ट क्रोस एक्चुअल में तभी समझ आता है जब हम ये दोनों क्रोस एक साथ करेंगे तो अब आप देखिएगा जब मैं इसका क्रोस इसके साथ कराऊंगी तो क्या आएगा कैपिटल डब्लू और इस्मॉल e डब्लू आया इसका क्रोस इसके साथ करूंगी तो फिर से कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू यहाँ क्रॉस करूंगी कैपिटल डब्लू और इस्मॉलॉल e डब्लू यहाँ क्रॉस करूँगी कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू आएगा तो सारे के सारे जो प्लांट्स आए हैं वो हैट्रोजाइगस आए हैं कैसे प्लांट आए हैं बेटा सारे जो जनरेशन आई है ना ऑल जनरेशन ऑल जनरेशन जी लिख लीजिए आर हेट्रोजाइगस एच जेड लिख लीजिए आप यहाँ पर हैट्रोजाइगस का मतलब बोथ एलील्स आर डिफरेंट वन इज अ कैपिटल वन इज अ स्मॉल हैट्रोजाइगस जबकि है वाइलेटी आप देख रहे हैं यहाँ पर वाइलेटी है तो इस बार क्या किया गया कि जो पेरेंटल जनरेशन थी उसका एक एलील तो हम सेम लेकर चले भाई एक ट्रेड तो हमने सेम उठा लिया ना सेम मतलब वाइट रिसेसिव ले लिया तो ये तो हमारा वाइट रिसेसिव वाला कैरेक्टर है यहाँ भी वाइट रिसेसिव कैरेक्टर था अब हमने चेंज क्या किया इसका क्रॉस किससे कराया इस बार हमने क्रॉस कराया जनरेशन में यानी ये जो जनरेशन आई थी इस बार हमने इसमें से एक कैरेक्टर उठा लिया और पेरेंट जनरेशन का न्यू जनरेशन से क्रॉस कराया इसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं तो हम रिज़ल्ट चेक करेंगे क्या आएगा भाई टेस्ट करने पर आप क्या अनुमान लगाते हैं टेस्ट करके आप अपना आकलन करते हैं कि हमारे मार्क्स कितने आएंगे हमें लर्न है नहीं है हमें प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही है वही चीज़ों का तो अनुमान आप लगाते हैं तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं जो जनरेशन आई है ये सारी की सारी जो जनरेशन आई है इसमें से किसी एक ट्रेट को उठाकर आपने पेरेंटल जनरेशन के साथ क्रॉस करा दिया जब आपने पेरेंटल जनरेशन के साथ क्रॉस कराया तो जो आपके जो ट्रेट आए सारे के सारे देखिए कैसे यहाँ पर कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू तो कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू से बनता है बेटा वाइलेट इस बार मैं ऐसे लिख ले आप देख रहे हैं वाइलेट है फिर कैपिटल डब्लू का इससे कराया तो क्या आएगा वाइलेट कलर आएगा लेकिन यहाँ पर भी स्मॉल डब्लू है यहाँ पर भी स्मॉल डब्लू है भाई ये भी स्मॉल डब्लू है ये भी स्मॉल डब्लू है तो जब आप इन दोनों का क्रॉस आपस में कराएंगे तो आपके सामने जो जनरेशन आएगी वो क्या आएगी मैम ये तो वाइट आ जाएगी क्या जाएगी वाइट तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वाइट W यानी वाइट यहाँ पे लिख दिया वाइट तो टेस्ट क्रॉस करने पर आपको क्या पता लगा कि जो कुछ कैरेक्टर हाइड हो गए थे इस जनरेशन में रिसेसिव यानी वाइट फ्लावर तो बने ही नहीं थे वो एफ टू जनरेशन में बन जाएंगे टेस्ट तो क्रोस के अगर आप डिफाइन लिखने लगे तो आपको डिफाइन लिखनी है आपको डिफाइन लिखनी है वन पेरेंटल कैरेक्टर हाइब्रिडाइज विद न्यू जनरेशन कैरेक्टर प्रोजेनी विल बी डेवलप्ड राइट तो रोजानी विल बी डेवलप एंड शो बोथ कैरेक्टर शो बोथ कैरेक्टर राइट भाई वायलेट कलर भी आया यहां पर और वाइट भी आया तो वो दोनों कैरेक्टर को दर्शाएगी आकर इसको बोलते हैं बेटा टेस्ट क्रूज क्लियर हो गई बात यहां पर इतने पॉइंट्स आपको क्लियर है डायग्राम तो आइए हाँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा अब हम चलते हैं आगे बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन मोनोहाइब्रिड क्रोस मेंडल प्रपोज टू जनरल रूल्स टू कॉन्सोलीडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रोज यानी इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर मोनोहाइब्रिड क्रोस को क्या किया गया एक्सप्लेन किया गया और उसमें इनहेरिटेंस को बताया गया टुडे दीज रूल्स आर कोल्ड द प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आज के समय में यही रूल प्रिंसिपल्स लॉज कहलाते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बात हमने आपको कल बताई थी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर मेंडर ने लो बनाए थे क्या बनाए थे लो फर्स्ट लो और सेकेंड लो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये आपको समझ आ गया होगा क्योंकि कल से और अब तक हम इन्हीं चीज़ों को बताते आ रहे हैं क्लियर हो गई यहाँ तक सारी बातें अब आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है लॉ ऑफ डोमिनेंस कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स यानी जो कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं वो एक यूनिट के थ्रू होते हैं जिसको मैंडल ने फैक्टर्स कहा था क्या कहा था फैक्टर्स उन्होंने कहा था कि इस प्लांट का कोई फैक्टर और इस प्लांट का कोई फैक्टर ही इस जनरेशन में आ रहा है और सिर्फ एक ही फैक्टर यहाँ पर दर्शाया जाता है भाई फैक्टर तो दो आए लेकिन यहाँ पर शो कौन सा हुआ सिर्फ इस वाला वायलेट कलर वाला शो हुआ ना वाइट वाला तो शो ही नहीं हो पाया था राइट तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि फैक्टर्स क्या होते हैं जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं लॉ ऑफ में उन्होंने सेकंड पॉइंट किया कहा था फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं तो आपने देखा ना कि रिसेसिव के लिए स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू और डोमिनेंट के लिए कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्लू दिया गया इन आर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट्स एंड अदर इज रिसेसिव उन्होंने कहा कि अगर कोई जो कैरेक्टर है वो डिसिमिलर है लाइक like दिस तो उनमें से एक कैरेक्टर तो डोमिनेंट होगा दूसरे वाला रिसेसिव होगा ये उन्होंने बताया था किसने बेटा मैंटन ने दर लॉ ऑफ डोमिनेंस इज़ यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है वो यूज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए इसी को मोनोहाइब्रिड क्रूस कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रूज जब कैरेक्टर सिर्फ एक लिया गया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने कैरेक्टर क्या लिया था फ्लावर कलर क्या लिया बेटा आपने यहाँ पर फ्लावर कलर सिर्फ आपने जो एक्सपेरिमेंट किया वो फ्लावर कलर पर किया था दोबारा से बता दे रहे हैं आपको यहां पर आप जो कैरेक्टर लेकर चले थे वो क्या था फ्लावर का कलर और फ्लावर कलर आप क्या लेकर चले थे भाई अल्टरनेट कैरेक्टर लेना होगा वाइट और वाइलेट तो यहाँ पर आप एक ही तो कैरेक्टर लेकर चले ना फ्लावर कलर अब अल्टरनेट कैरेक्टर होगा तभी तो आप सर्च कर पाएंगे रिसर्च कर पाएंगे क्लियर तो जब आप एक ही कैरेक्टर लेकर चलते हैं उसको मोनोहाइब्रिड क्रोस कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर फ्लावर का कलर और फ्लावर की हाइट दोनों लेकर चलते तो उसको बोलते बेटा डाई हाइब्रिड क्रोस क्या बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रोस क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ फ्लावर कलर वाला कैरेक्टर सिर्फ एक कैरेक्टर लेकर चले थे वन मीन्स मोनो वन मीन्स मोनो और हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइजेशन करना इनके बीच में इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन ही तो किया आपने तभी तो आपको ये पूरी की पूरी प्रोजेनी मिली क्लियर बेटा मोनोहाइब्रिड मोनो इन एफ वन एंड एक्सप्रेशंस ऑफ बोथ टू एफ टू इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रपोर्शन ऑफ थ्री इज टू वन थ्री इज़ टू वन तो वो कह रहे हैं कि मोनोहाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉस आप पढ़ चुके हैं और जो उसकी एफ़ टू जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो आती है वो थ्री इज़ टू वन आती है थ्री इज टू वन का बात यह हमने आपको कल एक ट्रेट में क्रॉस करके बताया था ये वाला जब कैपिटल टी का कैपिटल टी से किया था तो क्या आया था कैपिटल टी कैपिटल टी जब इसी का क्रॉस हमने किससे किया था स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी का किया था कैपिटल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी लेकिन जब हमने किया था स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ तो स्मॉल टी और स्मॉल टी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों प्लांट क्या होंगे टोल होंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं थ्री इज टू और ये क्या होगा ड्वार्फ इसलिए आपको आप इसको लिख देंगे वन थ्री इज टू वन तो इस थ्री इस टू वन की बात कर रहे हैं मेंडल इस थ्री इस टू वन की बात कर रहे हैं क्लियर आई होप लॉ ऑफ डोमिनेंस के आपको सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझ आए होंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि भाई फैक्टर जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं क्या होते हैं जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं और उन्होंने कहा कि ये जो पेयर्स में होते है न, हैं ना अगर टू हैं टू एलील है तो एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा पेयर में होंगे और उनमें से कोई एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा अगर कंडीशन हेट्रोजाइगस है तो क्लियर ये बात किसके लिए बताई थी मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए ये बात उन्होंने क्लियर की थी अब हम मूव करते हैं बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलियज डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन टू एफ टू जनरेशन उन्होंने कहा कि एफ टू जनरेशन में आपके जितने भी ट्रेट आते हैं वो कभी ब्लेंड नहीं होते हैं ब्लेंड का मतलब होता है बेटा मिक्स होना लॉफ सो सेग्रीगेशन कहता है कि एफ़ टू जनरेशन में सारे कैरेक्टर आकर सेग्रीगेट हो जाएंगे ये बात आप समझ सकते हैं बिल्कुल यहाँ से आप क्लियर वे में समझ सकते हैं देखिए यहाँ पर आपने वाइट और वायलेट के बीच में क्रॉस कराया तो सारे के सारे फ्लावर वायलेट आ गए तो दिमाग में सवाल आपके नहीं आया कि वाइट कैरेक्टर कहाँ गया छिप गया बेटा ये एफ़ वन जनरेशन में कैरेक्टर छिप गया लेकिन जब हमने इसका क्रोस इसके साथ कराया तो ये एफ टू जनरेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा ये जो जनरेशन हमारे पास आई है ये एफ़ टू जनरेशन है क्लियर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइलेट फ्लावर भी आ रहे हैं और वाइट फ्लावर भी आ रहे हैं तो व्हाइट फ्लावर आकर कहाँ शो हुए हैं एफ़ टू जनरेशन में तो इसी को कहते हैं बेटा लव सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन मतलब अलग होना सेग्रीगेशन मतलब अलग होना क्लियर तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है यहाँ देखिए आप ये जो बहुत सुंदर सा एक डायग्राम बना हुआ है आपके सामने आपकी एन में है आप एन ओपन करके बैठा कीजिए बेटा एन में देखिए यहाँ पर आप रेड फ्लावर ले लीजिए और यहाँ पर आप ले लीजिए वाइट फ्लावर रेड फ्लावर के एलील कैपिटल आर कैपिटल आर और वाइट फ्लावर के एलील स्मॉल आर और स्मॉल आर लिए गए हैं ये दोनों के गैमेट हैं इससे जो गैमेट बनेगा वो आर बनेगा इससे जो गैमेट बनेगा वो स्मॉल आर बनेगा क्लियर बात हो गई यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम मैम नो प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर हो गई ये गैमेट भी बना दिया हमने अब आपकी आएगी एफ़ वन जनरेशन एफ़ वन जनरेशन में आप देख सकते हैं कि सारे के सारे फ्लावर पिंक कलर के आए हैं यहाँ लिखा हुआ है ऑल पिंक कैसे पिंक आ गए बेटा ऐसे पिंक आ गए ना जब आप इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर इसी का क्रॉस जब इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर इसका क्रोस इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और जब इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर तो ओल आर पिंक कैपिटल आर स्मॉल आर किसका एलील होता है पिंक फ्लावर का एलील होता है क्लियर यहाँ तक क्लियर है इस अब यहाँ पे तो सारे पिंक कलर के आ गए हमें अलग होते हुए तो दिखाई नहीं दिए तो हम कैसे समझे कि भाई लाव ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है तो आप इसको समझने के लिए क्या कीजिए नीचे जो पुनेट चेकर बॉक्स बना हुआ है आप यहाँ पर देखिए क्रॉस किस में कराया गया अब इन वाली जनरेशन में क्रॉस कराया गया जो आने वाली जनरेशन होती है हमेशा क्रॉस उसमें कराया जाता है भाई जो पेरेंटल जो फ्लावर्स थे वो हर समय कोई आएंगे अब अब दो न्यू जनरेशन आएगी तो न्यू जनरेशन से हमने फ्लावर को पिक किया और उनके ट्रेट को लिया और हमने उनके बीच में क्रॉस कराया तो ट्रेट आपने लिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर तो एक फ्लावर तो आया है रेड दो फ्लावर आए हैं पिंक और एक फ्लावर आया है वाइट तो वाइट भी शो हो गया और रेड भी शो हो गया यही तो जनरेशन आप लेकर चले थे इसी को तो कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जबकि यहाँ पर ये दोनों कैरेक्टर क्या हो गए थे ब्लैंड हो गए थे लेकिन एफ टू जनरेशन में दोनों कैरेक्टर क्या हो गए हैं शो हो गए हैं अब आप देख सकते हैं फिनोटिपिक रेशो में रेड वन पिंक टू और वाइट वन जिनोटिपिक रेशो में रेड वन राइट पिंक टू और वाइट वन तो दिस इज अ अनोटिपिक रेशो एंड दिस इज अ फिनोटिपिक रेशो क्लियर हुआ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियर हुआ तो बेटा ये चीज़ तो हमने आपको कल ही पढ़ा दी थी ना लेकिन फिर भी हमारे बच्चे एन में कंफ्यूज ना हो इसलिए हम इसको डिटेल में यहाँ भी बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे हम आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहते चलिए अब आप देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हम इसी में पढ़ाने वाले हैं डोंट वरी क्योंकि लव एग्रीगेशन हम यहाँ बहुत अच्छे से समझा सकते थे इसलिए हमने इसमें भी समझा दिया लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम रेड और वाइट फ्लावर में ही बताने वाले हैं देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है इनकम्प्लीट का मतलब अधूरा और डोमिनेंस मतलब प्रभावी लक्षण जहाँ पर प्रभावी लक्षण अधूरा होता है उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं वैन एक्सपेरिमेंट्स चलिए थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं ताकि हम यहीं पर बता पाए आपको वहन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पीज वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेड्स इन अदर प्लांट्स जब एक्सपेरिमेंट पी वाला एक्सपेरिमेंट अदर प्लांट पर क्या किया गया उसकी रिसर्च की गई इट वॉज़ फाउंड दैट समटाइम्स द एफ वन हैड अ यूनोटाइफ दैट डिड नाट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स एंड वॉज इन बिटवीन द टू द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन और एंट्रीनम इज़ गुड एग्ज़ाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ सकते हैं तो एन सी आर टी की लैंग्वेज ना आपको भारी लग सकती है लेकिन ये बहुत ईजी होती है पहले हमें भी बहुत भारी लगती थी लेकिन बहुत ईजी है देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस की पूरी डिफाइन आपको यहाँ बताई गई है कहा गया है कि भाई जो एफ़ वन के जो फिनोटाइप होते हैं वो रिजम्बल नहीं होते हैं पेरेंट्स से तो ये तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कहाँ हैं रिजेंबल ये तो आपने वाइट फ्लावर यहाँ लिया यहाँ रेड लिया लेकिन जो जनरेशन आई वो तो पिंक आई तो पिंक जनरेशन ना तो अपने पापा से मिल रही है और ना ही अपनी मम्मी से मिल रही है मिल रही है क्या आपको दिखाई दे रही है कि पापा मम्मी जैसी नहीं हमें तो नहीं दिखाई दे रही बेटा तो जब मिल नहीं रही इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसी को कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहा इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस अब देखिए ये किस में लिया गया स्नैप ड्रैगन अब स्नैप ड्रैगन के फ्लावर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये दिखाई दे रहे हैं ये स्नैप ड्रैगन ही है देखिए लिखा हुआ रिजल्ट ऑफ द मोनोहाइब्रिड हाइब्रिड इन द प्लांट स्नैप द अदर एलील ओवर द अदर एलेल तो एलील क्या है इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है ओवर द अदर एलील इस एलील पर इस एलील पर इनकम्प्लीटली क्या है डोमिनेंट है राइट right? क्योंकि ये पिंक कलर है ना पिंक कलर किसके तरह दिखाई देता है थोड़ा सा रेड की तरह दिखाई देता है तो ये इस पर क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस है राइट स्नैपड्रैगन याद रख दिएगा राइट एंटेहीनम ये इसकी क्या है बेटा एंटरहीनम इसकी स्पीशीज है इसका साइंटिफिक नेम है क्लियर याद रखिएगा क्योंकि ये भी तो एग्जाम्पल देके आपसे पूछा जा सकता है ना तो आप यहां से चीजों को याद रखिएगा इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग इन कम्प्लीट डोमिनेस इन क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्स रेड फ्लावर्स को आर आर कहा गया एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर्स इसको स्मॉल आर स्मॉल आर कहा गया एफ वन में सारे के सारे ये आए जो कि पिंक थे वैन द एफ वन वो सेल्फ पॉलिनेटेड एफ वन क्या थी खुद से पॉलीनेट की गई थी द एफ टू रिजल्ट इन द फॉलो रेशो एफ वन में जो रेशो आया सॉरी एफ टू में जो रेशो निकल के आया रेड फ्लावर एक आया था पिंक फ्लावर दो आए थे और व्हाइट फ्लावर एक आया था हे आर द जीनो टिपिक रेश एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्टेड एनी मंडेलियन मोनोहाइब्रिड ग्रोस ये किसी दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट है तो इन साइंटिस्ट ने कहा कि भाई जो मैंडल पी प्लांट्स में बताकर गए थे वायल्ड और वाइट का ये जो बताकर गए थे बिल्कुल सही बताकर गए थे क्योंकि जब हमने स्नैपड्रैगन पर एक्सपेरिमेंट किया तो बिल्कुल सेम उसी की तरह एलियल आए हैं राइट क्लियर हो गई बात इतनी क्लियर हो गई अब आप देख सकते हैं यहाँ से एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमिनेंस डोमिनेंस की क्या दी गई एक्सप्लेनेशन दी गई वट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस वाई आर सम एलियल्स डोमिनेंट एंड सम आर रिसेसिव क्या एग्जैक्ट डोमिनेंस होता है और क्यों डोमिनेंस और रिसेसिव एलियस होते हैं

फॉर एग्जाम्पल हमने आर्जीन ले लिया और स्मॉल आर्जिन ले लिया इनके पास अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है इसलिए किसी पर्टिकुलर कलर को पर्टिकुलर हाइट को पर्टिकुलर शेप को मेंटेन करते हैं इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देर आर टू कॉपीज ऑफ ईच जीन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो कॉपी होती है एक जीन की क्या होती है बेटा दो कॉपी होती है एक जीन की एज अ पेयर ऑफ एलियल्स इसको ही पेयर्स ऑफ एलियल्स कहते हैं जैसे कि रेड कलर के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर वाइट कलर के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर राइट एज इन हेट्रोजाइगस हैट्रोजाइगस में भी दो होते हैं वन ऑफ द दैम मे बी डिफरेंट ड्यू टू द सम चेंजेस दैट इज हैज हैजरगोन अबाउट विच यू विल रीड फॉर दर ओन एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर विच मॉडिफाइड द इन्फॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलियस कंटेंट तो हेट्रोजाइगस में क्या होता है इस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है ये रेड के लिए और ये वाइट के लिए तो कलर कौन सा शो होगा रेड वाला क्योंकि ये डोमिनंट कैरेक्टर है इसलिए इसको डोमिनंट कहा क्योंकि ये इसको हाइड कर रहा है छिपा रहा है क्लियर हो गई यहाँ से बातें क्लियर हो गई सब चीज़ें देखिए लेटस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स द इनफॉमेश फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम यानी क्या लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं उस जीन का जो एंजाइम को क्या करती है प्रोड्यूस करती है नाउ देर आर टू कॉपीज ऑफ द जीन द टू एलिक फॉर्म्स लेटर्स एज्यूम एज इन मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलेल प्रोड्यूज दम नॉर्मल जो एलियल होते हैं वो नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करती है दैट इज नीडिड फॉर द ट्रांसफॉर्मेश ट्रेट जो कि ट्रेड को ट्रांसफॉर्म करती है थियोटिकली द मॉडिफाइड एलील रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस थियोटिकली एलि क्या होती है रेस्पॉन्सिबल होती है एक्शन को शो करने के लिए द नॉर्मल लेस इफिशियंट एंजाइम तो जीन क्या होते हैं बेटा एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं और नॉन फंक्शनल एंजाइम्स और नो एंजाइम एट ऑल एट ऑल देखिए इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमोडिफाइड एलील एग्जाम्पल इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप ट्रेट रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेश्स ऑफ द सब सच एज इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन बट इफ द एलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम्स और नो एंजाइम्स द फिनोटाइप में भी अफेक्टेड यानी अगर कोई भी एलील एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करेगी तो फिनोटाइप अफेक्ट होगा फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपेरेंस मॉर्फोलॉजी द फिनोटाइप ट्रेड विल बी डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमोडिफाइड एल फिनोटाइप डिपेंड होता है फंक्शनिंग ऑफ द अनएवलेबल एलिल द अनमोडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप अनमोडिफाइड एलिल प्रजेंट करता है ओरिजिनल फिनोटाइप को ओरिजिनल माफोलॉजी को इज द डोमिनेंट एलिल एंड द मोडिफाइड एलेल इज जनरली द रिसेसिव एलेन हैंड्स इन द एग्जाम्पल्स अबाउ द रिसेसिव ट्रेट इज़ सीन ड्यू टू द नॉन फंक्शन एंजाइम तो रिसेसिव जो ट्रेड दिखाई देता है वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर नॉन फंक्शनिंग एंजाइम्स होते हैं उस जीन के पास बिकॉज नो एंजाइम्स इज प्रोड्यूज तो जो आपके पास बेटा रिसेसिव ट्रेट होते हैं रिसेसिव ट्रेट इसलिए खुद को शो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके जो जीन हैं कोई भी एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे डोमिनेट जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं एंजाइम्स को रिड्यूज़ करते हैं क्लियर यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कंफ्यूज नहीं होना है घबराना नहीं है डरना नहीं है आई नो एन सी आर टी लैंग्वेज इज सो टफ आई नो एन सी आर टी लैंग्वेज इज सो टफ राइट बट इट इज टू मच इजी इट इज टू मच इजी ये बहुत इजी है अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ कर चलेंगे तो सारी चीजें बताई गई हैं जैसे बताई गई है वैसे आप पढ़िए डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है इसके बाद आप टॉपिक देखिए बेटा कॉडोमिनेंस कॉडोमेंस टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रोसिस वेयर द एफ वन रिजेंबल्ड आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स और वॉज इन बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस भाई क्रॉस कराया गया है ना क्रॉस कराया गया एफ वन जनरेशन में राइट टू पेरेंट्स के बीच में अब मान लो वो डोमिनेंस है या रिसेसिव है तो जो एफ वन जनरेशन में जो न्यू प्रोजेनी आई हैं वो सेम नहीं है क्यों बट इन द केस ऑफ कॉडोमिनस द एफ वन जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स कॉडोमिनस में क्या होता है एफ़ वन जनरेशन रिजेंबल होती है पेरेंट्स के कैसे और गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स तो हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स होती है जिसको रेड ब्लड सेल्स या रिथ्रोसाइट्स कहते हैं दैट डिटरमाइंड ए बी ओ ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप का मतलब ए बी और ओ तो इसलिए ए बी ओ लिख दिया ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं इनके अंदर आई जीन होता है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैज शुगर पॉलिमर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है रेड ब्लड सेल्स की जिसमें शुगर पॉलीमर्स होते हैं दैट ट्रू ट्रूड इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज़ कंट्रोल्ड बाय द जीन और सरफेस uh, पर बिखरे रहते हैं राइट right? और कंट्रोल करते हैं शुगर शुगर इज़ कंट्रोल्ड बाय द जीन शुगर किसके द्वारा कंट्रोल होती है जीन के द्वारा द जीन आई हैज़ थ्री एलील्स जीन आई के पास थ्री एलील्स होते हैं आई ए आई बी और स्मॉल आई राइट कित क्लियर बात हुई भई इन्होंने कहा कि जो कॉडोमिनस होता है ना जब आप इन दो पैरेंटल जनरेशन में क्रॉस कराते हैं तो आने वाली जनरेशन बिल्कुल रिजेंबल होती है अपने पेरेंट्स से और ये एग्जाम्पल हम आपको समझा सकते हैं ब्लड ग्रुप के अंदर और ब्लड ग्रुप कितने होते हैं ए बी और ओ होते हैं उन्होंने कहा कि इसके लिए तीन जीन रिस्पॉन्सिबल है आई ए लीजिए कलर चेंज कर लीजिए इसके लिए होगा आई बी और इसके लिए होगा आई 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 उन्होंने कहा तीन जीन रेस्पॉन्सिबल हैं इससे हम आपको क्या समझा सकते हैं कोडोमिनेंस समझा सकते हैं टेबल शोइंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन इन ह्यूमन पॉपुलेशन तो ह्यूमन पॉपुलेशन में उन्होंने कोडोमिनस को समझाने की कोशिश करी देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एलील फ्रॉम द पेरेंट वन एलील फ्रॉम द पेरेंट टू जीनो टाइप ऑफ ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग मतलब जनरेशन और प्रोजेनी प्रोजेनी मतलब बेटा जो न्यू जनरेशन डेवलप्ड हुई है इन पेरेंट्स से इन पेरेंट्स के कैरेक्टर से जो जनरेशन बनी है ना उसको प्रोजेनी कहते हैं चलिए दोबारा हम इसको ठीक करके लिखते हैं देखिए ये है पेरेंट वन राइट और ये है पेरेंट टू इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनकर आया उसको बोलते हैं बेटा प्रोजेनी। तो क्योंकि ह्यूमन की बात हो रही है यहाँ पर आप चाइल्ड भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं और चाइल्ड सी एच आई एल डी सी एच आई एल डी चाइल्ड भी लिख सकते हैं आप देख सकते हैं आई ए जीन लिया गया तो मैंने आपको क्या बताया था ए बी और ओ यहाँ पर हमने आपको क्या लिखाया था इसके लिए आई ए जीन होता है इसके लिए आई बी जीन होता है और इसके लिए आई आई जीन होता है क्लियर यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिल फ्रॉम पेरेंट टू आई ए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब दोनों कैरेक्टर आपस में मिलेंगे तो आई ए आई ए बनेगा यानी ब्लड ग्रुप क्या हुआ पेरेंट्स का सॉरी बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हुआ ए पेरेंट का भी ब्लड ग्रुप ए था मदर का भी ब्लड ग्रुप ए था और बच्चे का भी ब्लड ग्रुप ए आया तो हो गए सेम या नहीं हुए सेम भैया अपने मदर फादर की तरह सेम हो गए कि नहीं हो गए इसी को बोलते हैं बेटा को डोमिनंस क्या बोलते हैं को डोमिनंस किस में बताया गया था ब्लड सेल्स में बताया गया था ह्यूमन बींग के अंदर या किसी एग्जाम्पल ले लिया गया मान लिया मंकी का एग्जाम्पल ले लिया गया यहाँ से आप देख सकते हैं आई ए आई बी क्या आया आई ए आई बी मतलब ए बी ब्लड ग्रुप राइट तो ये ब्लड ग्रुप क्या था ए हो, हो सकता है ये क्या है बी हो सकता है पेरेंट का ब्लड ग्रुप यहाँ पे आई ए यहाँ पर आई तो आई ए आई क्या होगा ए क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए राइट right? आई बी आई ए यहाँ पर ब्लड ग्रुप हो गया ए बी आई बी आई बी ब्लड ग्रुप हो गया बी आई बी और आई कोई एल नहीं तो यहाँ पर हो गया ब्लड ग्रुप बी आई आई ब्लड ग्रुप हो गया ओ राइट बेटा क्लियर तो ये कॉम डोमिनेंस का एग्जाम्पल है जो कि आप समझ सकते हैं बड़े अच्छे से यहाँ पर अभी आप देखिए ये जो पैराग्राफ है वेरी वेरी आई एम पी यहाँ पर वो बेसिक लाइन छिपी हुई हैं जिससे बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं राइट देखिए डू यू रियलाइज़ दैट द एग्जाम्पल ऑफ एव यू ब्लड ग्रुपिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलियस यस क्या आप जानते हैं कि मल्टीपल एलियस प्रोवाइड कराता है यस ऑफ कोर्स जानते हैं हेयर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन टू

Uh, मैंने एक जनरली आपको एग्जाम्पल बताया है थ्री एलेन्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर तीन एलियस भी सेम कैरेक्टर्स रख सकते हैं सिंस एन इंडिविजुअल ओनली टू एलेस कैन बी प्रेजेंट मल्टीपल एलियस कैन बी फाउंड ओनली वैन पॉपुलेशन इज स्टडीज आर मेड और ये आप सिर्फ तब देख सकते हैं जब आपने पॉपुलेशन पर स्टडी किया हो ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट ओकेजनली कभी कभी क्या होता है कि एक सिंगल जीन प्रोडक्ट होता है जो प्रोड्यूस कर सकता है मोर देन वन इफेक्ट एक से ज़्यादा इफेक्ट एक से ज़्यादा प्रभाव को दिखा सकता है कभी कभी ओकेजनली फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाई वन जीन स्टार्च सिंथेसिस मतलब स्टार्च का प्रोडक्शन मटर के पौधे में एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है अंडरलाइन कर लीजिए लाइन को अभी फॉर एग्जाम्पल स्टार्स सिंथेसिज इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाई वन जीन इट हैज टू एलेल्स बी एंड बी और एलेल क्या होंगे उसके बी एंड बी कैपिटल बी और इस्मी स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाई बी बी होमो जाइगोड्स एंड देयर फॉर लार्ज स्टार्च ग्रीन्स आर प्रोड्यूज अगर ये वाले जीन्स हैं कैपिटल बी कैपिटल बी तो ये इस लार्ज स्टार्च वाले सीड को बनाते हैं बी बी होमोजाइगस हैव लेसर इफिशियंट इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स ये ऐसे ग्रेन्स को बनाएंगे ऐसे बीज को बनाएंगे जिसमें स्टार्च की अमाउंट कम होगी ये ऐसे ग्रेन को बनाएंगे जिसमें स्टार्च की अमाउंट ज़्यादा होगी राइट right? इतनी बात समझ आ रही है क्लियर हो रही है चीज़ें तो ये वाले जो जीन होते हैं उन ग्रेन को बनाते हैं जिसमें स्टार्च ज़्यादा होते हैं ये उस ग्रेन को बनाते हैं जिसमें स्टार्च कम हो आफ्टर मैचूरेशंस ऑफ दीड्स बीबी सीड्स आर राउंड एंड द बीबी सीड्स आर रिंकल्ड जो इस्मो बीबी जीन वाले सीड्स होते हैं वो रिंकल हो जाते हैं और जो कैपिटल बी बी वाले सीड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं राउंड हो जाते हैं हेट्रोजाइगोड्स प्रोड्यूस राउंड सीड्स हेट्रोजाइगोड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं मान लो अगर ये जीन है कैपिटल बी स्मॉल बी तो ये भी राउंड ही होगा लेकिन इसमें जो इस्टार्ज की अमाउंट है ना तो बहुत ज़्यादा होगी और ना ही बहुत कम होगी सो इफ स्टार्ज ग्रीन साइज इज कंसिडर एज द फिनोटाइप दैन फ्राम दिस एंगल द एली शो इनकम्प्लीट डामिनंस इस तरीके से जो ये वाले जीन हैं इनकम्प्लीट डोमिनंस को शो कर रहे हैं किसको बेटा इनकम्प्लीट डोमिनंस को देअर फोर डोमिनंस इज नोट एंड ऑटोनोमस फीचर्स ऑफ अ जीन और द प्रोडक्ट ये कोई ऑटोनोमस फीचर नहीं है जीन का या किसी प्रोडक्ट का दैट इट हैज़ इन्फॉर्मेशन ये क्या है एक इन्फॉर्मेशन है इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप और क्या है ये एक प्रोडक्शन है जो कि फिनोटाइप को बनाएगा फ्रॉम दिस प्रोडक्ट ऊपर वाले प्रोडक्ट से कोई नया प्रोडक्ट बनाएगा इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामाइन इन केस मोर दैन वन फिनोटाइप इन्फ्लुएंस बाय द सेम जीन कभी कभी क्या होता है कि जो आप जनरेशन लेकर चले हैं उसी जनरेशन के बिल्कुल सेम ग्रेन्स बन गए होते हैं राइट right? कभी कभी वो ग्रेन्स की चेंजेस आपको देखने को मिल सकती हैं कैरेक्टर्स में मॉर्फोलॉजी में फीचर्स में फिजियोलॉजी में सब चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं और ये डिपेंड किस पर करता है बेटा जीन पर डिपेंड करता है क्लियर यहाँ से क्लियर हुआ पॉइंट्स यस मैम क्लियर हो गया अब आप आ जाइए बेटा बहुत पढ़ लिया वनजीन हाइपोथेसिस वन जीन हाइपोथीसिस कितना लंबा टॉपिक था मैम यस ऑफ कोर्स बहुत लंबा था वन जीन हाइपोथीसिस आपने पढ़ा है और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन आपने कंप्लीट कर लिया है बहुत खुशी की बात है कि आपने ये पूरा कर लिया अब हम मूव करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स कहाँ पर मूव करना है हमें इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स और थर्ड लो ऑफ मेंडल दिस इज़ अ थर्ड लो थर्ड लो ऑफ मेंडल क्लियर मेंडल ऑल्सो वर्क विद एंड क्रोस पी दैट डिफर्ड इन टू कैरेक्टर्स एज इज सीन इन द क्रोस बिटवीन आ पी प्लान दैट हैज सीड्स विद येलो कलर एंड राउंड शेप क्या कह रहे हैं कि मेंडल ऑल्सो वर्कड विद एंड क्रोस पी मेंडल ने फिर से क्या कराया एक एक्सपेरिमेंट कराया किस क्रोस कराया पी प्लांट के अंदर इस बार उन्होंने टू कैरेक्टर्स को लिया टू कैरेक्टर्स इसलिए इसको हम डाई हाइब्रिड क्रोस भी कहते हैं डाई हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रोस क्या बोलते हैं बेटा इसको डाई हाइब्रिड क्रोस डाई मतलब टू इसलिए यहाँ पर टू जीन इनहेरिटेंस लिखा हुआ है तो उन्होंने वो दो कैरेक्टर क्या लिए थे कलर और शेप कलर और शेप कलर किसका लिया था सीड का शेप किसकी ली थी सीड की तो ये इतनी लंबी थियोरी तो पढ़नी है आपको हमें क्या बताना है इसका एक्सप्लेनेशन बताना है एक्सपेरिमेंट बताना है क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट पढ़ते ही ये पूरी थियोरी आपके खुद लर्न हो जाएगी तो हम आपको लर्न कराते हैं एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट हम कैसे लर्न कराएंगे देखिएगा आप एक्सपेरिमेंट लर्न कराने के लिए हमें एन ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल राइट चेकर बॉक्स दिया है जिसको पुन्नेट चेकर बॉक्स कहते हैं बेटा इसको पुन्नेट ने दिया था इसलिए इसका नाम पुन्नेट चेकर बॉक्स होता है ये जो बॉक्स है ना ये आप देखते हैं रेक्टेंगल ये पुन्नेट एक साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था इसलिए इसको पुन्नेट चेकर बॉक्स बोलते हैं देखिए मेंडल का क्या पढ़ रहे हैं बेटा थर्ड लो पढ़ रहे हैं थर्ड लो और थर्ड प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं और टू जीन हाइपोथेसिस बोल सकते हैं और डाई हाइब्रिड क्रोस बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रोज देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है डाई हाइब्रिड क्रोज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राउंड और येल्लो राउंड का मतलब क्या होता है बेटा शेप ये क्या है शेप और येलो मतलब क्या होता है कलर ये क्या है कलर तो टू कैरेक्टर्स लिए गए टू कैरेक्टर्स लिए गए हैं इसलिए इसको डाई हाइब्रिड क्रोस बोलते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रिंकल रिंकल क्या है शेप ग्रीन क्या है कलर तो बीज के अंदर ही उन्होंने दो कैरेक्टर को लिए तो जब दो कैरेक्टर लेंगे बेटा तो एलील भी तो टू ही लेंगे यहाँ पर क्या ले लिया राउंड के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर यहाँ पे क्या ले लिया कैपिटल वाई कैपिटल वाई येल्लो के लिए रिंकल yeah. के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई स्मॉल वाई उन्होंने ले लिया तो यहाँ से देखिए गैमिट क्या बने गैमिट समझाने के लिए मुझे क्या करना होगा इसको रिमूव करना होगा इसलिए हमने कर दिया है रिमूव अब आपको बताते हैं गैमिट कैसे बनते हैं कैपिटल आर आर से एक गैमिट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई वाई से एक गैमिट बनेगा कैपिटल वाई ये बन गया गैमिट जो कि आपको यहाँ दिखाया गया है ऐसे बनते हैं गैमिट गैमिट बनाने आ गए यस मैम आ गए स्मॉल आर स्मॉल आर से गैमिट बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल वाई से गैमिट बनेगा स्मॉल ये बन गया यहां गया गेमिट। जब गेमिट बन गया गया जब चुके हैं, तो जो आप इसकी एफ वन जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स आएंगे वो आएंगे राउंड येल्लो क्या आएंगे राउंड येल्लो क्योंकि आपको पता है डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा ये डोमिनेंट कैरेक्टर है ये रिसेसिव कैरेक्टर है तो जब ये दोनों आपस में मिक्स करेंगे तो जो आपके पास जितनी जनरेशन आएंगे जितने भी बीज आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे राउंड येल्लो होंगे राउंड येल्लो ना उसमें कोई रिंकल होगा ना ही ग्रीन होगा जब आप क्रॉस कराएंगे एफ टू जनरेशन के बीच में तब आपके बनकर आएंगे राउंड भी येल्लो भी रिंकल भी ग्रीन भी सब तरीके के बीज बनकर आएंगे तो देखिए इन्होंने कैसे किया है क्रॉस क्लियर हो लोग यहाँ तक सारी बातें देखिए यहाँ पर उन्होंने कैसे निकालते हैं आप ट्रेड कैसे निकालते हैं यहाँ पर ये रखे हुए हैं ना ट्रेड कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर आपका क्या होता है स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई यही चार गैमिड बन सकते हैं क्या बन सकते हैं बेटा चार गैमिड बन सकते हैं किससे बन सकते हैं ये जो आपकी जनरेशन आई है एफ वन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई ये चार ट्रेड जैसे आपने यहाँ लिख दिए इधर भी आप ऐसे ही लिख दीजिए अब आप क्या करते जाइए इनका क्रॉस करिए जब आपने इसका इसके साथ क्रॉस किया तो ये आएगा आएगा कि नहीं आएगा यस मैम आएगा अभी आपने क्या किया इसी का क्रॉस इसके साथ किया तो ये आ गया आ गया कि नहीं आ गया अब इसका क्रॉस आपने क्या किया इसके साथ किया तो ये आ गया इसके साथ किया तो ये आ गया तो यहाँ आपको ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा चलिए आपके लिए हम बना देते हैं डिफरेंट और डिफरेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे हम एक स्पेस को ढूंढेंगे ब्लैंक स्पेस लेते हैं आपके लिए और उस ब्लैंक स्पेस में आपको ये पूरा क्लियर करते हैं यहाँ बना लीजिए आप इसमें क्या कीजिए बेटा वन टू थ्री थ्री लाइन ड्रॉ कर लीजिए कर ली लाइन ड्रो बिल्कुल ऐसे ही आप लाइन को ड्रॉ कर लीजिए नहीं चलिए एक और भी अच्छा हम क्या करते हैं एक और भी अच्छे से हम क्या करते हैं हो गया ड्रो यस yes, मैम हो गया चलिए अब इसी के अंदर वन टू और थ्री अब इसी के अंदर वन टू और थ्री तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने इसको एक स्क्वायर में बना लिया और यहाँ काउंट करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फोर होना चाहिए वन टू थ्री फोर और यहाँ पर भी वन टू थ्री फोर होना चाहिए रफ नोटबुक लेकर बैठिए मेरे साथ करिए अभी अभी के अभी लर्न हो जाएगा आपको समझ आ जाएगा क्या चीज़ें कराई गई हैं लर्न करने के लिए बैठिए ड्रॉ कीजिए मेरे साथ साथ अब आप क्या कीजिए यहाँ पर ट्रेट लिख लीजिए ट्रेट लिखने के लिए आप इस बॉक्स के सामने कैपिटल आर कैपिटल वाई इस वाले के सामने इस्मोल आर कैपिटल वाई इसके ऊपर कैपिटल आर वाई, और इसके ऊपर स्मॉल आर और स्मॉल वाई लिखिए लिख लिया यहाँ पे, अब लिखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और इस्मोल आर कैपिटल भाई अब आपको क्रॉस कैसे करना है बेटा क्रोस ऐसे करना है इसका क्रोस इसके साथ इसका क्रॉस इसके साथ इसका क्रोस इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ चारों का क्रोस पहले एक से करना है क्योंकि ये फर्स्ट लाइन चल रही है जो भी आएगा वो यहाँ भरते हुए जाना है ऐसे फिर आप क्या करेंगे सेकेंड के साथ इसका क्रॉस इसके साथ इसका क्रॉस इसी के साथ इसका क्रॉस इसी वाले लाइन के साथ और इसका क्रॉस इसी के साथ फिर आपकी ये लाइन फिल हो जाएगी फिर आप क्या करेंगे इसका क्रॉस पहले वाले के साथ यहाँ लिख देंगे इसका क्रॉस इसके साथ यहाँ पर लिख देंगे राइट इस <त्य> थर्ड का क्रॉस इसके साथ यहाँ पर लिख देंगे थर्ड का क्रॉस यहाँ पर तो आप यहाँ पर देंगे तो पूरा का पूरा जो आपका चेकर बॉक्स आएगा जो बन कर आएगा वो बिल्कुल इसी की तरह बनकर आएगा आपका ये जो आपका यहाँ बना हुआ है ये आपका निकल कर आएगा और जो आप लास्ट में जो रेशो निकालेंगे जो रेशो निकल कर आएगी वो आएगी नाइन इज टू नाइन आएंगे राउंड येल्लो राउंड येल्लो क्यों कह रहे हैं देखिए राउंड येल्लो क्यों कह रहे हैं ये राउंड येल्लो है ये भी राउंड येल्लो है ये भी राउंड येल्लो है ये भी राउंड येलो 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 है ये भी राउंड काउंट कीजिए कितने हुए फोर फाइव सिक्स सेवन एट और एक ये रहा नाइन नाइन राउंड येलो हो गए उसके बाद आप देखिए राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन देखिए वन टू थ्री राउंड ग्रीन पूरा हो गया अभी आप देखिएगा नेक्स्ट रिंकल येलो रिंकल येलो वन टू थ्री रिंकल येलो पूरा हो गया रिंकल ग्रीन एक ही है रिंकल ग्रीन लिख दिया रिंकल ग्रीन नाइन इस टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन कितना हो गया ये हो गया बेटा सिक्सटीन तो सिक्सटीन बॉक्स थे आपके सामने चार का मल्टीप्लाई जब चार से करेंगे तो सिक्सटीन ही तो आएगा इधर भी चार है इधर भी चार है चार का मल्टीप्लाई सिक्सटीन होता है तो सिक्सटीन आपके सामने क्या आ गए ट्रेट आ गए सिक्सटीन टाइप्स के आपके सामने सीड्स बनकर सिक्सटीन सीड्स आपके सामने आ चुके हैं जिसको आप फिनोटिपिक रेशियो में नाइन इस टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन दिखाएंगे क्या दिखाएंगे नाइन इस टू थ्री टू थ्री टू वन दिखाएंगे अगर आप इसका जीनोटिपिक रेशो निकालना चाहते हैं क्या निकालना चाहते हैं जीनोटिपिक रेशो तो जीनोटिपिक रेशो आप कैसे निकालेंगे देखिए जीनोटिपिक रेशो निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको सबसे पहले तो यहाँ मेंशन करना है जीनोटिपिक रेशो आपको सबसे पहले क्या इसकी तरह कोई सीड है कैपिटल आर कैपिटल वाई ढूंढिए सब में है तो नहीं कैपिटल आर कैपिटल नहीं है तो यहाँ पर आप लिखिए वन लिख दिया आपने वन क्या इसकी तरह कोई सीड्स है नहीं है इसकी तरह भी कोई नहीं आएगा लास्ट में भी आप लिख दीजिए वन और यहाँ लगा दीजिए रेशो लगा दिया आपने रेशो अब आप इसकी तरह देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई ढूंढिए इसकी तरह कोई है क्या मैम ये मिल गया और कोई देखिए और कोई देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कहीं है कहीं है नहीं है बेटा तो आपने यहाँ लिख देना है टू क्या लिख देना है टू ये हो गया ये हो गया ये भी हो गया अब आप इसको लीजिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक ये हो गया दो कैपिटल आर कैपिटल आर क्या कोई और है नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए बेटा टू अब आप इसको लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक दो तीन चार लिख दीजिए इस टू फोर अभी आपके कवर अब आप देखिए आपके सामने क्या बचा हुआ है कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई यहाँ पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल इसके जैसा कोई है नहीं है लिख लीजिए वन रेशो बनाइए पहले और फिर वन लिखिए अब यहाँ पर रेशो बना के ये आपका हो गया इसके बाद आपके कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई एक दो रेशो बना के टू लिख दीजिए लिख दिया टू अब एक और सीड आपके सामने बचा हुआ है स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई वन इससे पहले क्या आएगा यहाँ पर वन रेशो लगाइए रेशो लगाकर फिर आप यहाँ पर लिखिए ये दोनों एक जैसे हैं टू लिखिए और फिर आपका ये लास्ट वाला वन यहाँ पर ऐड हो जाएगा राइट right? तो ये इसका जीनोटिपिक रेशो है तो फिर आप प्लांट को बता सीड के नेचर को यहाँ पर बता सकते हैं कि कैसा है ये बिल्कुल बेटा प्योर राउंड येल्लो है प्योर राउंड येल्लो ये जो दो आपके हैं ये हैं राउंड तो हैं लेकिन वो राउंड कैसे हैंट्रोजाइगस राउंड हैट्रोजाइगस राउंड होमो येल्लो पर लिखेंगे आप हेट्रोजाइगस राउंड होमो येल्लो ये दो वाले कैसे हैं आपको पता है होमोजाइगस राउंड हैट्रोजाइगस येलो होमोजाइगस राउंड हैट्रोजाइगस येल तो आप यहाँ से नेचर और कैरेक्टर्स निकाल सकते हैं अगर आप इन डिटेल मैनर इन चीज़ों को पढ़ें तो फिनोटिपिक रेशो तो दी हुई थी यहाँ पर लेकिन जीनोटिपिक हमने निकलवा दिया वन इज टू टू इज टू टू इज टू फोर इज टू वन इज टू टू इज टू वन इज टू टू इज टू वन यहाँ से आप जब काउंट करेंगे तो सिक्सटीन होगा काउंट करने पर आपको ये पूरा का पूरा क्या मिलेगा बेटा सिक्सटीन मिलेगा तो आप चेकर बॉक्स को कैसे इजीली बना सकते हैं वो भी रूल्स हमने आपको बताया है कैसे आप इसको बहुत इजी वे में कर सकते हैं वो चीज़ें भी आपको एक बार बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर आप देखिए एक बॉक्स बना लीजिए बेटा एक बार इस बार बड़ा बॉक्स बनाना है आपको बना लिया बड़ा बॉक्स अब आप इसमें लाइन खींच लीजिए वन टू और थ्री हो गई वन टू और थ्री ये आपका बॉक्स बन गया अब आपको लेने हैं कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स आपको किस तरीके से कैरेक्टर्स लेने हैं देखिए क्या लिया गया था कैपिटल आर कैपिटल वाई लिया गया था फिर लिया गया था स्मॉल आर कैपिटल वाई फिर लिया गया था कैपिटल आर स्मॉल वाई और फिर लिया गया था स्मॉल आर स्मॉल वाई यहाँ पर भी यही चारों आपको लिख देना है सेम अब इंच इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ जब आप कराएंगे तो क्या आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई ये आएगा तो ऐसे आपको क्रॉस करना है फिर आप इसका करेंगे इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई ये आएगा तो ऐसे आपको बॉक्सेस बड़े बनाने हैं ऐसे आपको करते जाना है जब आपका ये पूरा भर जाएगा यहाँ तक फिर आपको इसका इसके साथ कराना है फिर इसी का इसी के साथ कराना है सेकेंड बॉक्स में आएगा थर्ड बॉक्स के लिए इसका इसके साथ कराना है थर्ड बॉक्स के ऊपर जो लिखा हुआ है और यहाँ इसके सामने जो लिखा हुआ है ऐसे फिर जब आप इसका करेंगे तो इसका इसके साथ फिर आप इसका करेंगे तो ये यहाँ इस लाइन के सामने कौन है यहाँ इसके ऊपर क्या है ये इसके सामने यहाँ ये इसका यहाँ से इसका यहाँ से फिर इसका यहाँ से ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएंगे ट्रेड्स मिल जाएंगे डाई हाइब्रिड ट्रेड्स मिल जाएंगे सीड्स के सीड्स की क्वालिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी वो उससे आप क्या निकालेंगे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो कैलकुलेट करेंगे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो आप यहाँ से निकाल लेंगे तो आज आपने जो स्टडी की है स्टडी में आपने इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन देखा अच्छे से देखा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन इज़ वेरी इजी राइट बहुत इजी है ये 2023 के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स में हायर मार्क्स में है ना सेक्शन ई e में आपसे ये सेक्शन डी में आपसे ये पूछा गया था सेक्शन ई e में तो नहीं सेक्शन डी में आपसे ये पूछा गया था क्वेश्चन सी बोर्ड में राइट right? और हर बारी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा ही जाता है तो आपको ये बड़े ईजी वे में करना अच्छे से आना चाहिए आपको क्या करना है इसके डिटेल एक्सप्रेशंस पढ़नी है राइट जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो निकालना आना चाहिए बेटा इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट कहते हैं थर्ड लो को ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट कहते हैं जिसको डाई हाइब्रिड क्रोस कहते हैं देख लीजिए आप सब चीज़ें वहीं लिखी हैं राउंड रिंकल येलो ग्रीन वो सब चीज़ें वही है जो आपने यहाँ किया है ना वो आपको यहाँ पढ़ना है वो चीज़ें एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पर उसको पढ़ना है उसकी स्टडी करना है राइट right? तो यहाँ से आपको क्या करना है क्रॉस चेक करना है इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आज के डेट में आपका फर्स्ट लो भी कंप्लीट हो गया फर्स्ट लो का नाम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोट सॉरी लो ऑफ डोमिनेंस है लो ऑफ डोमिनेंस है सेकेंड लो का जो नेम है वो है लो ऑफ सेग्रीगेशन लो ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड लो का नेम है लो ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट लो ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट तो आपके तीनों लो कंप्लीट हो चुके हैं साथ ही साथ आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस भी पढ़ाया जा चुका है इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको स्नैप ड्रैगन में पढ़ाया गया है जो कि एक फ्लावर है जिसका एग्जाम्पल आपको समझाया गया है और को आपको ब्लड में पढ़ाया गया है कहाँ पढ़ाया गया ब्लड के ब्लड ग्रुप में पढ़ाया गया साथ ही साथ आपको मल्टीपल जीन्स के कुछ फैक्टर्स भी बताए गए हैं जो कि स्टार्च वाला कैरेक्टर आपको बताया गया कि सीड में अगर बीबी जीन है तो ज़्यादा स्टार्च प्रोडक्शन होगा अगर स्मॉल बी स्मॉल बी जीन है तो स्टार्च तो की जो प्रोडक्शन है ग्रेन में वो क्या होगी कम होगी ये चीज़ भी आपको बताई गई है कल वाले लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे क्रोमोजोमल थियरी तो कल हम क्रोमोसोमल थियरी को पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही काफ़ी है आप इसको रीड कीजिए अच्छे से